इसमें तीन लीड के पोर्ट होते हैं। सबसे पहले कुमन वाला, कुमन वाले में हमारी नेगेटिव वाली लीड लगती है ब्लैक कलर की। उसके बाद वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट को मापने के लिए दूसरी लीड लगती है यहाँ पे। अगर हमें ज़्यादा करंट मापना हो 10 एम्पियर तक, तो क्या करेंगे, इस लीड को यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद इसको डिजिटल मल्टीमीटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी डिस्प्ले पे डिजिटल फॉर्म में दिखाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिजिटल मल्टीमीटर। अब जानेंगे इसको कैसे मेजर किया जाता है। सबसे पहले एसी वोल्टेज मापने के लिए हम क्या करते हैं, एसी की वोल्टेज मापने के लिए हम इसको एसी वोल्टेज पर सेट करेंगे। उसके बाद हम बोर्ड में लगा के देखेंगे वोल्टेज कितनी शो करेगी। जैसे इसमें लगाएंगे तो ये वोल्टेज शो कर रहा है। ऐसे ही डीसी में चेक करेंगे, डीसी में चेक करने के लिए इसको डीसी वोल्टेज पर लेके आएंगे। डीसी वोल्टेज का ये सिंबल है, यहाँ डीसी में लेके आएंगे, और ये हमारे पास एक बैटरी है, इसको चेक करेंगे। ये देखिए 9 वोल्टेज के करीब दिखा रहा है। उसके बाद हमें रेजिस्टेंस चेक करना है। रेजिस्टेंस के लिए ये पोर्ट दे रखे हैं, इसको रेजिस्टेंस सेट करेंगे। और अब हम बल्ब के रेजिस्टेंस को देखेंगे। ये हमारे पास एक बल्ब है, बल्ब के रेजिस्टेंस को देखते हैं। एक तार इसमें लगाएंगे, एक इसमें लगाएंगे, ये हमें रेजिस्टेंस बताएगा। बल्ब का रेजिस्टेंस 21 ओम है। उसके बाद हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए या डायोड को चेक करने के लिए हम इस पे लेके आएंगे। और जैसे कोई भी लीड है, ये लीड है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो क्या करेंगे, एक इस पे लगाएंगे एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ। इसका मतलब ये वायर कंटिन्यू है, इसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम है और ये वायर कंटिन्यू है, ये सायरन बज रहा है इस कारण से। उसके बाद यहाँ पे डीसी का करंट चेक किया जाता है। ये कम करंट, उससे ज़्यादा करंट, उससे ज़्यादा करंट, और ये 10 एम्पियर तक। उसके बाद HFE, और ये दे रखा है, ये वाले सिंबल हम यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए, जैसे NPN PNP, इसकी गेन वगैरह को चेक करने के लिए हम इन दोनों टर्मिनल्स को यूज़ करते हैं। करंट को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी लोड है उसको सीरीज में लगाएंगे। जैसे एक तार को यहाँ कनेक्ट करेंगे नेगेटिव पे, और नेगेटिव वाली लीड इसके साथ लगाएंगे, इसके साथ नेगेटिव लीड जोड़ेंगे, और जो पॉजिटिव वाली है इस पे जोड़ देंगे। तो अब ये करंट शो करेगा, ये 10 एम्पियर पे है, 10 एम्पियर वाला पोर्ट ये है, इसलिए इसको दूसरी जगह सेट करेंगे। अब ये हमें करंट दिखाएगा, ये दिखा रहा है, जैसे करंट दिखाएगा।